यूनिटी का राष्ट्रीय स्तर पर एक सीड पड़ गया एक बीज पड़ गया वो महफिल लूट लेना कोई कल के लिए कोई अकस्मात बात नहीं थी वो जहां भी जब भी कहीं गए हैं अपोजिशन पार्टी में बिना डिफरेंस के कुछ नहीं होता होता है लेकिन डिफरेंसेज को कैसे सॉर्ट आउट आप करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो तो कैसे कहेंगे कि ये सक्सेस अगर बीजेपी कह दे कि सक्सेसफुल है तो ऐसा हो नहीं सकता है ऑर्डिनेंस का विरोध तो रोड पर नहीं होगा ना ऑर्डिनेंस का विरोध तो पार्लियामेंट में होगा तो नीतीश जी खुद इंजॉय कर रहे थे तो चाह रहे थे कि लालू जी महफिल लूटे <laughs> बड़ी बात आपने बताई नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखिए 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा था जो दावा कर दिया था वो उन्होंने सच कर दिखाया है आपको मालूम है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे थे आपको मालूम है कि इसमें छह मुख्यमंत्री और पांच पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे और इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है देखिए एक तरफ ये भी कहा जा रहा है विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि ये बैठक सफल हुई है वो कह रहे हैं कि ये बैठक ऐतिहासिक है और ये भी कह रहे हैं कि बिहार एक बार फिर से इतिहास लिखने के लिए तैयार हो चुका है लेकिन बीजेपी लगातार बात कह रही है कि ये बैठक बिल्कुल सफल नहीं हुई है है साफ कह रही है कि ये कुछ और नहीं बल्कि फोटो सेशन चल रहा था देखिए यह भी कह रही है कि यह बैठक नहीं थी बल्कि टी पार्टी थी तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बैठक सफल हुई है या नहीं हुई है और बैठक में निकल कर आखिर हमारे पास क्या आया है तो इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट है नलीन वर्मा जी अगर इनका परिचय हम आपको दें तो आपको हम बता दें कि कई ऐसी किताबें हैं जैसे गोपालगंज टू रायसेना भी नलीन जी ने लिखा है तो सबसे पहले तो नलीन जी बहुत शुक्रिया वक्त देने की थैंक यू तो सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि कल जो बैठक हुई तेईस तारीख महाजुटान हुआ नेता पहुंचे क्या लगता है देखिए निकल कर बहुत कुछ आया जो छन कर अपने पास आया है कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है ये बैठक कई काफी कुछ हुआ है जो निकल कर आया है लेकिन आपको क्या लगता है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप चीजों को बखूबी समझते हैं क्या देखते हैं कैसे देखते हैं इसको देखिए ऐतिहासिक तो है और दो तीन बातें इसमें निकल करके सामने आई है जो बहुत ही फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज जिनके होंगे जिनके दूरगामी परिणाम होंगे जिसको हम कह सकते हैं एक तो ये कि विपक्षियों की, की एकता का देश के स्तर पर 16 पार्टियां जुटी हुई थी इसमें आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में कहा कि पांच पांच मुख्यमंत्री मुख्य छह मुख्यमंत्री पांच पूर्व मुख्यमंत्री सबसे बड़े विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के प्रेसिडेंट उसके इम्पोर्टेंट लीडर राहुल गांधी जी, जी। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस के ये सारे लोग लेफ्ट की सा, के सारे टॉप लीडर्स जुटे हुए थे तो ये यहाँ पर यूनिटी का राष्ट्रीय स्तर पर एक सीड पड़ गया एक बीज पड़ गया जो नरेंद्र मोदी जी के नौ साल के कार्यकाल में नहीं इस तरह से हुआ था कि हुआ पूरी विपक्षी कश्मीर से हाँ। लेकर के और कन्याकुमारी कुमारी तक के नेता आपको के एम स्टालिन महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ये सारे लोग देखी जो हैं एक साथ एक जुट करके और एक ही उद्देश्य की इस सरकार को हटाना है और ये नहीं केवल हटा कर हमको सत्ता में चले आना है वो लोग एजेंडा की बात कर रहे हैं कि भाई आप इतिहास को बदल रहे हैं आप हमारा जो आइन है संविधान है उसको नहीं मान रहे हैं यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर है अनएम्प्लॉयमेंट है मणिपुर एक स्टेट है जो हम लोगों का जल रहा है पाँच साल से जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र नहीं है आए दिन किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है हमारे चैम्पियन वेमन रेसलर्स हैं जो महीनों से एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए जिन पर सेक्सुअल एब्यूज के चार्जेज हैं वो आंदोलन कर रही हैं आप कुछ नहीं सुन रहे हैं आप साइलेंट हैं तो ये सारे इशू पर हम आवेंगे तो जनता को ब्रीद सेफ एयर में करें वो आज़ादी की सांस लें इसका उपाय हम करेंगे कोशिश करेंगे आपके बिना हटे ये संभव नहीं है इसका बीजारोपण हो गया दूसरी बात है कि अपोजिशन यूनिटी एक प्रोसेस है जी। ये नहीं कि अब हो गया और वो बात एंड हो गई अब वो शुरू हुआ है प्रोसेस है प्रोसेस तभी तो कहा गया कि हाँ यहाँ हो गया अब अगले महीने में टेंटेटिव डेट 10 11 या 12 कुछ शिमला में हम लोग फिर से करेंगे तो ये तो प्रोसेस है चुनाव लड़ने का ये तो नहीं होगा कि भाई एक रजीम चला गया दूसरा उस पर आकर के कोई मोनार्की के ज़माना तो है नहीं वो तो थ्रू इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही होगा चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव में ये सारी पार्टियाँ कैसे लड़ेंगी इनका किन किस तरह से अलाइंसेज होंगे वन टू वन कॉन्टेस्ट की लोगों ने बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें तो कैसे भारत बड़ा देश है बड़े बड़े राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश है बिहार है बंगाल है महाराष्ट्र है छोटे राज्य भी हैं तो उसमें कांग्रेस के साथ और क्षेत्रीय पार्टियों लेफ्ट पार्टियाँ मिल करके कैसे लड़ेंगी इसका प्रारूप अगले मीटिंग में तैयार किया, किया जाएगा फिर से एजेंडे जो हमारे होंगे उसको फाइन ट्यून किया जाएगा उस पर डिबेट किया जाएगा डिस्कशन किया जाएगा तो इस तरह से ये प्रोसेस का बहुत ही एक एक मेटिकुलस तैयार इसको हिंदी में जो कहिए इसको एक रोड मैप तैयार एक तैयार करने का प्रोसेस शुरू हो गया रहा रहा सवाल कि अब लोग कि हाँ डिफरेंसेस कुछ है अपोजिशन पार्टी में बिना डिफरेंस के कुछ नहीं होता होता है लेकिन डिफरेंसेज को कैसे शॉर्ट आउट आप करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब सोलह पार्टियां हैं तो सोलह के अपने अपने संविधान है अपने एजेंडे हैं अपने स्टेक्स हैं उनके डिफरेंस होंगे अपने एक पार्टी में डिफरेंस होता है हुँ। तो पॉलिटिक्स का नाम ही डेमोक्रेसी का नाम ही डिफरेंस है, दिफरेंस दिफरेंस है। दिफरेंस लेकिन उस डिफरेंसेस को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं कैसे हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारे स्मॉल डिफरेंसेज है उसको ममता बनर्जी ने भी कहा ममता बनर्जी ने भी कहा कि भाई हम कलेक्टिव तरीके से उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे ये हमारे रास्ते में एक होने के रास्ते में नहीं आएगी रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का कि टी पार्टी है तो ऑप्टिक्स है जी। तो वो विपक्ष हैं और वो तो कैसे कहेंगे कि ये सक्सेस अगर बीजेपी कह दे कि सक्सेसफुल है तो ऐसा हो नहीं सकता, नहीं सकता। है तो उनको तो कहना ही है तो उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन लोगों का है जो कि उसको हम देख सकते हैं ये पॉलिटिकली उन्होंने ये बयानबाजी है। चलिए ठीक है लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में जो सबसे बड़ा जो लोग जानना चाहते हैं सबसे बड़ा सवाल यही है तो अगर हम देखें कल की बैठक को तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल बैठक में जरूर आए बैठक में वो रहे भी जो तीन घंटे की बैठक चली उसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अरविंद केजरीवाल निकल जाते हैं और जिसके बाद वो एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है आपकी तरफ से और उसमें लिखा गया है कि जब तक कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी केंद्र अध्यादेश पर तब तक हम बैठक में शामिल नहीं होंगे तो क्या हम देखें कि बिखराव शुरू हो गया बिखराव उसको नहीं कर देखिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और जैसा कि पहले ही हम लोगों ने कहा कि डिफरेंसेस तो होंगे ही तो उनका उनका इशू है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार लाई है जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नलीफाई करता है एक तरह से उसको खत्म करता है कि हमको पावर दिया गया हमारे ऑफिसर्स के ऊपर हमारा दिल्ली सरकार का कंट्रोल हो इस पर सारे लोगों ने अधिकांशता लोगों ने उनको सपोर्ट किया है बिल्कुल लेकिन कांग्रेस 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 ने भी अपू कांग्रेस ने कहा कि भाई ऑर्डिनेंस का विरोध तो रोड पर नहीं होगा ना ऑर्डिनेंस का विरोध तो पार्लियामेंट में होगा जब पार्लियामेंट जब बैठेगा तो उस पर फैसला ले लिया जाएगा सारे पार्टियों ने भी कल उनको यही कहा कि देखिए ये जो लार्जर अपोजिशन के इशू है सब स्टेट्स के अपने अपने लोकल इशू है उसके लिए ये बैठक नहीं है बैठक जो है ये लार्जर इशू में देश का एजेंडा क्या होगा आपको तो सब लोगों ने साथ दिया ही है ना भाई हाँ उसका जब समय आएगा तो ये इसका थीम नहीं हो सकता उस पर सारे विपक्षी पार्टी एक हो गए अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ करके सारे विपक्षी पार्टी जो है इस पर थी ठीक है सब लोगों ने अलग अलग, अलग आपको सपोर्ट किया है जब पार्लियामेंट का समय आएगा तो, तो कांग्रेस जो है उस पर अपना स्टैंड ले लेगी लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे ही धीरे 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 करके बिखरना शुरू हो जाती है धीरे धीरे बिखरना ऐसा तो कुछ मिला नहीं ना पहले सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल देखिए आने के पहले भी इस बात को उन्होंने कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे वो लास्ट मिनट में नीतीश कुमार जी के परसुएशन पर स्किल्ड परसुएडर हैं नीतीश कुमार जी डेक्सट्रस लीडर हैं वो चले आए थे तो पहले से ही चला दूसरी पार्टियां इसको इस रूप में देखिए कि रिजर्वेशंस जो थे ममता बनर्जी जी को कांग्रेस को लेकर के था जो कि बड़ा राज्य है जहाँ इकतालीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अखिलेश यादव जी को था जहाँ पर कॉन्स्टिच्युएंसी कॉमन कॉन्स्टिचुएंसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शेयर करते हैं वो लोग कांग्रेस के साथ मिल करके काम करना शुरू करने कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बिखराव की बात कहाँ आ रही है हाँ उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ने डिफर किया लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम ऑर्डिनेंस की बात जो है मानसून सेशन में करेंगे इसको सारे पार्टियों ने ममता बनर्जी जी की पार्टी हो या ये साउथ की पार्टी हो या अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी सबने सपोर्ट की नहीं नहीं ये रीजनल एजेंडा है इसको बाद में देखा जाएगा तो सब लोगों को मतक के का अभाव वहाँ कहाँ था वहां सब लोगों ने दिखाया इस बात को इसलिए बिखराव इसको नहीं कहा जाता तो कहा मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फिर मना लिया जाएगा देखिए ये मैं मैंने मना लिया जाएगा नहीं हालांकि जो उनके जो इशू हैं एक प्रोसेस हमने ही कहा इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा कि भाई वी शुड वी शुड सी थ्रू द रीजन और अरविंद वो भी देख लेंगे कि भाई पार्लियामेंट सेशन तो जुलाई में होगा हुँ. जुलाई में होगा ना पार्लियामेंट सेशन तो मान लीजिए कांग्रेस उसको अपोज करती है कांग्रेस बीजेपी को अपोज करती आई है किसी सपोर्ट नहीं करती है सारे पार्टी अच्छा क्या कुछ दिखा लेकिन इसमें हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से महफिल लूट ली क्योंकि हमने देखा कि लालू प्रसाद ने साफ साफ उनके कई सारे बयान वायरल हो रहे हैं उन्होंने एक बात कही कि अब मैं फिट हो गया हूँ और मोदी जी को भी फिट कर दूंगा तो ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव इज बैक ठीक है देखिए इसमें लालू प्रसाद जी शुरू से ही नाइनटीन से ही उनका पर्सनालिटी ऐसा है गिफ्ट ऑफ गैब और क्या कहिएगा उसको लोगों को हंसा देने की विरोध पैदा करने की मोहब्बत का पैगाम देने का हुँ. इस तरह का जो नेचुरल उनका जो तरीका है वो महफिल लूट लेना कोई कल के लिए कोई अकस्मात बात नहीं थी वो जहाँ भी जब भी कहीं गए हैं तो वायरल होते हैं जो मिमक्री किया उन्होंने नरेंद्र मोदी का उन्नीस सौ के इलेक्शन में कि नस फट जाएगा वो अभी भी आप पाँच सात साल, अभी साल के बाद लोग करते रहते हैं तो देखिए वो अब विनोदी आदमी है राहुल गांधी आप जी आप शादी कर लीजिए तो नरेंद्र मोदी का दाढ़ी छोटा रखता है तो इस तरह की जो बातें हनुमान जी हमारे तरफ चले आए हैं और नल नील सब इकट्ठा हमारे तरफ है और फिट कर देंगे तो ये कोई अचानक नहीं है और महफिल लूटने का ये मतलब नहीं कि कोई आदमी छोटा हो गया वो वहाँ पर अपने को बहुत बड़ा हो गए जैसे नीतीश कुमार जी का कद इस इस अपोजिशन मीटिंग में पॉलिटिकली बहुत ही बढ़ा हुआ है इसलिए कि बहुत नामुमकिन सी बात लग रही थी कि तमाम सोलह पार्टियों को जो डाइवर्जेंट आइडिया है उनके पास अपने रिजर्वेशंस हैं उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर से आके कहा कि ये आसान बात आसान नहीं, नहीं था और एक मुख्यमंत्री के कॉल पर सारे छः छः पांच-पांच मुख्यमंत्री फॉर्मर छ मुख्यमंत्रियों का आना सोलह हाँ फॉर्मर पांच और सारे देश के नेताओं का के। तो नीतीश कुमारी तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के पास जाना उनको जाना ही बड़ी बात नहीं है जाके मनाना कि नहीं आप आइए एग्री करवाना अखिलेश यादव जी जिनके बहुत सारे रिजर्वेशंस कांग्रेस को लेकर के ये सब चलते आ रहे थे फिर कांग्रेस को लाना राहुल गांधी जी को लाना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोलिटिकल टैलेंट नीतीश कुमार जी का शो करता है अब एक्सपीरियंस अनुभव उनके पास है छः छः बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं सत्रह वर्षों से मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा नहीं कि लालू जी ने महफिल लूट ली ले लूट तो लिया है क्योंकि लूटने वाले अपने तरीके का अपने अंदाज के नेता हैं बड़े हैं सब लोग उनको आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार जी उनको प्रॉम्प्ट कर रहे थे लालू जी को कि भाई थोड़ा सा उनको दाढ़ी पर राहुल गांधी जी के दाढ़ी पर बोलिए तो नोट वाला जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लालू जी से वो कर रहे थे हाथ दिखा करके एक हज़ार का नोट खत्म करके दो हज़ार का लाया तो दो हज़ार को फिर से ख़त्म कर दिया तो नीतीश जी ही बता रहे थे तो नीतीश जी खुद एंजॉय कर रहे थे वो तो चाह रहे थे कि लालू जी महफिल लूटे लुटे, 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 लुटे। <laughs> बड़ी बात आपने बताई कि देखिए आप बॉडी लैंग्वेज से भी पर समझिए कि क्या था की जो लालू प्रसाद यादव ने कल बोला इसके तो या तो हम लिटरल मायने भी निकाल सकते हैं या फिर इशारे इशारे में बड़ी बात कल कह गए लालू प्रसाद यादव उन्होंने साफ कहा कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए बराते यहां पर तैयार है तो या तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि चलिए आप शादी कर लीजिए या फिर अंदर की बात तो यह भी हो सकती है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई दूल्हा ही है बराती तैयार है तो क्या इशारे में ये तो देने की नहीं, नहीं। ये दूल्हा पॉलिटिकल इशू में एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में दुल्हा का ये बात एजेंडा पर बिल्कुल ही नहीं है लालू जी का एक तरीका रहता है कि किसी बात को विनोदी तरीके से उसमें विनोद भरना, भरना उसमें हास्य भरना उसमें व्यंग भरना उसको इंटरेस्टिंग बनाना इंटरटेनिंग बनाना ये लालू प्रसाद जी का तरीका है जी। उसी रूप में उसको कहा गया है, कहा गया है और ये पहली बार हमको नहीं लगता लालू जी ने कहा होगा इस तरह से हमको जहाँ तक याद है कि एक अनिल कुमार जी एम हुआ करते थे जो राज्यसभा में मेम्बर थे तो उनकी बहुत दिनों तक शादी हम लोगों के मित्र थे तो बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई थी पचास साल के हो गए थे बाल बाद में हालांकि शादी उनकी हो गई तो जब भी लालू जी उनको मिलते थे बोलते कि तुम्हारा शादी हम कराएँगे तो इतना बड़ा हो गया तुम शादी क्यों नहीं करते हो क्योंकि उन्हीं अच्छा। के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो लालू प्रसाद जी इस तरह से बातों को लोगों को आत्मीयता भर के बात पर्सनल होकर बात करने का उनका अंदाज है तरीका है उसी रूप में उसको लिया जाना चाहिए वो अच्छा, दुल्हा मतलब अंदर की वा, वो वाली जो चीज है उसमें नहीं लेना चाहिए जो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव उसको बस लिटरली ही लेना चाहिए विनोद ले के सेंस में व्यंग के सेंस व्यंग में हंसी के, के, के रूप में आप इसको करें वही वही है। बेहतर बेहतर है। अच्छा एक और चीज़ एक और चीज़ कल हमने जो तस्वीरें देखी मीटिंग में जो हमने तस्वीरें देखी कि जिस तरह से लोग बैठे हुए थे कौन किसके करीब था इस पर भी खूब चर्चाएं हुई तो एक चीज जो थोड़ी सी लोगों को खटकी है वो ये है कि नीतीश कुमार से काफी अलग थलग नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव तो लोग चर्चाओं के बाजार में अब ये भी चर्चा हो रही कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अब साइड लाइन करना तो नहीं शुरू कर दिया <laughs> देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और इस पार्टी के एक तरह से अनडिक्लेयर्ड कन्वेनर है वो डिक्लेयर केवल नहीं हुआ सारा तो कन्वेनर का काम कर रहे थे मध्य में थे अब उनके बगल में खड़गे साहब थे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनके बगल में राहुल, राहुल गांधी को आप लोगों ने देखा होगा इनके अपने बाई तरफ ममता बनर्जी थी तेजस्वी जी के पिताजी लालू लालू प्रसाद जी थे जी, जी। जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं। उसके बगल में ममता बनर्जी थी उसके बगल में शरद पवार साहब थे तो अब इतने सीनियर लीडर्स को अभी आप बोल नहीं कि उनको साइड लाइन कर दिया लेकिन मान लीजिए कि शरद पवार से पहले उनको बैठा दिया जाता ममता बनर्जी से लालू जी तो बैठे ही हुए थे वहाँ पर ना राष्ट्रीय जनता दल के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं लेकिन अगर नीतीश जी अपने बगल में तेजस्वी को बैठा देते उसके बगल में खड़गे साहब को बैठाते राहुल जी को बैठाते तो सोचिए कि, कि क्या मैसेज आप ही हमसे क्या सवाल करती वो इसी बात नहीं थी कि अलग था छोटे हैं पिताजी उनके वहाँ पर थे पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं और जो उम्र में भी छोटे हैं अनुभव में भी छोटे एक तरह से कह सकती हैं एक तरह से ट्रेन हो रहे हैं तो हमको उनको अच्छा लगा होगा कि हमको वहां, पर वहां बैठाया गया है। बड़ों को आगे रखा बड़ों को आगे रखा गया, गया है।, है तो इसमें उनको ले साइड लाइन करने, करने की ऐसा नहीं कुछ साइड लाइन हो गए हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल एक आखिरी चीज ये है कि देखिए नीतीश कुमार जी ने जो दावा किया था जो कहा था या उनकी जो मुहिम है वो कल सफल सफल हो गई सफल हो गई तो अब सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी काफी भोख ला गई होगी बीजेपी कहे ना कहे लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ खतरा तो महसूस कर रही होगी तो अब आपको क्या लगता है बीजेपी क्या करेगी कैसे जवाब देगी अब क्या प्रेशर होगा विपक्षी दलों पर देखिए उसके प्रोग्राम्स के आपको इंतजार करना पड़ेगा जैसे बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी है वो चिंता जो पोलिटिकल चिंता जो होती है वो तो हुआ होगा उसको होना लाजमी भी है कि चुनाव लड़ना है सारी पार्टियाँ इकट्ठी होंगे कद्दावर पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं आप चिंताहीन हो जाइएगा ऐसी बात भी सही नहीं है वो तो चिंता होगी रूलिंग पार्टी उसको सत्ता को बचाना है तो अभी हम सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह जी का प्रोग्राम वगैरह पटना में चार बड़ी रैलियां होने वाली हैं अभी देखना होगा कि वो लोग जो काउंटर मेजर्स है वो कैसे लेते हैं बैठेंगे तो लोग नहीं लेकिन इसको काउंटर करने का बड़ी पार्टी है उसके अपने जनाधार हैं उसके अपने सपोर्ट करने वाले लोग हैं आपको लगभग नौ साल से ज़्यादा नौ सक, साल बेमिसाल के नारे भी दे हाँ सत्ता में हैं नरेंद्र माननीय नरेंद्र मोदी दो दो बार चुनाव जीत चुके हैं प्रधानमंत्री हैं बड़ी बहुमत उनके पास है तो अब ये लोग काउंटर कैसे करें इसका कोशिश करते हैं और आगे आने वाले समय में उसके, उसके काउंटर का रिस्पांस क्या होता है और लोग कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आगे देखना पड़ेगा अभी देखना हाँ पड़ेगा क्या आगे क्या, कुछ क्या होता है लेकिन लो? मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं कि नहीं फिर? जरूर मुश्किलें खड़ी होंगी आसानी से अब देखिए 2019 में क्या था नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ थे पूरा बिहार में वो उनतालीस सीट दोनों का अलायंस जीत लिया था अब तो भाई सब अलग अलग हैं वोट कम है विपक्षी लोगों के पास लालू जी नीतीश जी सी लेफ्ट तो ये छः पार्टियाँ आपके खिलाफ हैं इसके पास इकतालीस परसेंट से ज़्यादा वोट है तो ऐसे केसेस में आ, तो मुश्किलात तो खड़ी आपके सामने है ही चैलेंजेस तो है आसान नहीं, आसान नहीं होगा आसान नहीं होगा डिफिकल्ट होगा डिफिकल्ट होगा तो देखिए साफ इन्होंने बताया है कि 2024 का जो रन है वो आसान नहीं होने वाला है और बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है तो जवाब क्या देती है बीजेपी आगे क्या कुछ होता है ये तमाम तरह की चीजें इसी तरह से हम आपके पास लाते रहेंगे तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़ बहुत शुक्रिया